हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोपोगेशन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके भी। देखो, माइक्रो प्रोपोगेशन पार्ट वन में हमने पढ़ा था मैथड्स, कौन कौन से मैथड इन्वॉल्व होते हैं। अब पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस में देखो, हम यहाँ तक स्टेजेस अगर की हम बात करें, यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 0 से लेके 5 तक। 0 से लेके 5 तक नंबरिंग दी हुई है। तो इसमें क्या क्या मैथड्स इन्वॉल्व होंगे स्टेजेस में। सबसे पहले हम स्टेज 0 की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट लेंगे। एक्स प्लांट मीन्स कि एक हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, उसका हम पर्टिकुलर पार्ट लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वायरोफाइलम की, वायरोफाइलम के हम क्या लेते हैं, लीफ लेते हैं। किसी चीज के हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। किसी की हम स्टेम लेते हैं। जैसे हम बात करें कैरेट, कैरेट क्या है, रूट ही है ना, तो वो हम रूट में ले रहे हैं। किसी की हम पर्टिकुलर फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें, रोज की बात करें, उसकी स्टेम ले रहे हैं। तो जो हम चीज ले रहे हैं ना, स्टेम, लीफ या रूट, दैट इज योर एक्स प्लांट, दैट इज योर एक्स प्लांट। एक्स प्लांट इन शॉर्ट, जो हम पार्ट लेते हैं प्लांट का ग्रो करवाने के लिए फर्दर, ताकि वो कंप्लीट एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, डैट इज योर एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, हम लेंगे लीफ लेते हैं, स्टेम लेते हैं और रूट लेते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, कल्चर इनिशिएशन। स्टेज वन होती है कल्चर इनिशिएशन और एस्टेब्लिशमेंट। कल्चर इनिशिएशन में क्या होगा कि अभी तक तो हमने खाली सिलेक्ट किया, अब हम उस सिलेक्ट किए हुए प्लांट को आइसोलेट भी करेंगे ना उस प्लांट से जिसके साथ वो अटैच है। तो हम पेरेंट प्लांट उसको बोल सकते हैं, उसको हमने एक कल्चर इनिशिएशन प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि पहले हम उसको अच्छे से हम उसको स्टेरलाइज करेंगे। हम उसको जैसे कि स्टेरलाइज के लिए हमने क्या किया था, उसको हाइपरक्लोराइट सोल्यूशन में डाला था, फिर हमने उसको वॉश किया था। ये सब आपको पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देख लें इसका। और जब उसके बाद इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी और हमने इसे कल्चर मीडियम में डाला, कल्चर मीडियम में तैयार किया, अगार मीडियम या कुछ भी और न्यूट्रिएंट मीडियम हम तैयार कर रहे हैं जो कि इनिशिएशन करा रहा है या ग्रोथ करा रहा है हमारे एक्स प्लांट की, ठीक है। उसके बाद स्टेज सेकेंड में क्या होगा, शूट मल्टीप्लीकेशन। मतलब सपोज दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, हमने लिया, इसमें हमने कोई न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है, दिस इज व्हाट योर न्यूट्रिएंट मीडियम, और इसी में हमने ये एक्स प्लांट डाला है। अब एक्स प्लांट क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे क्या शुरू हो जाएंगी, शूट, शूट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो डैट इज योर शूट, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे, स्टेज थर्ड में हम क्या आएंगे, रूटिंग ऑफ द शूट। यही फर्दर हम क्या करेंगे, अलग मतलब अलग टेस्ट ट्यूब में ले जाएंगे और इसके न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा इसमें, या इसमें क्या हो जाएगी आपकी, अब शू डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी इस टाइप की। मतलब कि पूरा ये आपका क्या बन गया, प्लांट लेट बन गया, तैयार हो गया है कंप्लीट प्लांट लेट। क्लियर। अब हम इसी प्लांट लेट को स्टेज फोर में डालेंगे इन द ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट हमने देखा है वो किसी पर्टिकुलर ओपन जगह में एक बड़ी सा या छोटी सी स्पेस रखी होती है एक, और वहाँ पे आपको प्रॉपर लाइट आए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखा होता है, डैट इज योर ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। मैं आपको इनमें इसकी पिक्चर शो करूंगी। अब देखो स्टेज जीरो में क्या आएगा, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। ये सबसे इनिशियल फर्स्ट स्टेप है माइक्रो प्रोपोगेशन का। इसमें जो स्टॉक प्लांट होगा, स्टॉक प्लांट मतलब कि जो हम जिस पार्ट का हम पार्ट ले रहे हैं, जिस प्लांट का हम पार्ट ले रहे हैं, जैसे योर स्टॉक प्लांट आर सिलेक्टेड एंड आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन बिफोर देम यूजिंग फॉर कल्चर इनिशिएशन, ठीक है। हम सिलेक्ट करेंगे एक स्टॉक प्लांट को जिसका हमने प्लांट है, प्लांट का पार्ट यानी कि एक्स प्लांट लेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टेज वन। स्टेज वन में क्या होगा, जो एक्स प्लांट है वो इस्टेब्लिश होगा इन सूटेबल कल्चर मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में। उसके बाद हमने इसमें देखा था ना, एमएस मीडियम भी देखा था। उसके बाद हम दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप।
आइसोलेशन ऑफ द एक्सप्लांट, हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे एक्सप्लांट को फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। उसके बाद हम सरफेस स्टेलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, हमने उसको देखा था सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन में हमने इसको डाला था। उसके बाद हमने इसमें क्या किया था, उसको वॉश किया था डिस्टिल बॉटल से, जो एक्सप्लांट था वो इस्टेब्लिश हो जाएगा ना अप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम कौन कौन सा होगा, एमएस मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टेज सेकंड में आते हैं, दिस स्टेज इन्वॉल्व द रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी किसकी, शूट की, और रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियो बनना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी इन अ डिफाइंड कल्चर मीडियम में। उसके बाद आता है स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड में क्या होगा, जो शूट्स होंगी वो हमने क्या की थी, ट्रांसफर कर दी थी अलग मीडियम में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द शूट्स। अब इसमें देखो आदर है तो शूट्स को हम आदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं इनडायरेक्टली इन टू द सॉयल भी फॉर द रूट डेवलपमेंट, और ट्रांसफर कर सकते हैं इन द न्यूट्रिएंट मीडियम इन द लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द प्लांट स्पीशी। सो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी जो लास्ट है, स्टेज फोर्थ। इन दिस स्टेज जो जो अब देखो हमारे प्लांटलेट्स बन गए रूट डेवलपमेंट के बाद, तो इसको हम रूट जो प्लांटलेट्स थे आर एस्टेब्लिश इन द सॉइल, द शूट्स फ्रॉम द लेबोरेटरी, अब जो हम लेबोरेटरी में हम ये सारा करवा रहे हैं, आर ट्रांसफर इन टू द ग्रीन हाउस अंडर द कंट्रोल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आर लाइट, ठीक है। ये है ग्रीन हाउस की आपकी पिक्चर, देखो ये ग्रीन हाउस है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, इसको हमने सॉइल के अंदर डिप किया हुआ है पॉट में भी या इधर भी, उसके बाद हम थोड़े टाइम के बाद इसको पर्टिकुलर अपने कहीं भी हमने इसको ले जाना है ट्रांसफर करना है हम कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द माइक्रो प्रोपोगेशन। थैंक यू।